सभी रहवासी मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, ज्यादातर माताएं बहने यहाँ पर आई हुई है। अभी पल्लवी ने आपको निशानी बताई, क्या निशानी है आपको याद है ना? क्या निशानी है, निशानी क्या बताई अभी आपको? घड़ी नहीं चुतारी। और सबकी निशानी है चुतारी। सभी माताएं बहने यहाँ पर आई हुई है, आपको इस गवर्नमेंट ने कुछ लालच दिया था 1500 रुपए का, सबको मिले है ना? झूठ मत बोला, नहीं छुपा हुआ बिंदास बोलो, हाथ ऊपर करो, जो नहीं बोल रहे उनको मिला जाए। तो ये गवर्नमेंट ने जो लालच दिया है उसका मकसद है इलेक्शन है, आने वाले इलेक्शन को नजरअंदाज रखते हुए उन्होंने ये 1500 रुपये का लालच दिया। और अभी उसके जो बंदे यहाँ पर खड़े हैं, नजीब मुल्ला जी मेरे अच्छे दोस्त है, और उनका प्रचार करने और कंधे को लेकर जो कर रहे राजन की, वो भी मेरे अच्छे दोस्त है जिन्होंने ठाकुर पाड़ा सम्राट नगर की आवाज लगाई। दोनों जन टोरंटो भगाएंगे ये बोल रहे कि इलेक्शन होने के बाद नजीब मुल्ला चुनकर आएगा और टोरंटो हटा देगा। क्या शमीम भाई कैसे हटाएंगे? वो लोग ये नहीं बता रहे कि हम किस तरह हटाएंगे। टोरंटो की जब तक मुदत है तब तक कोई उसको हटा नहीं सकता, ये फैक्ट है। जैसा टोल नाका जिस सरकार ने लाया, जिसकी मुदत खत्म होने तक वो हटाया नहीं गया, मनसे ने उसका काफी विरोध किया लेकिन वो हटा नहीं। उसी तरह टोरंटो भिवंडी में और मुंगरा में उसका लगातार विरोध हो रहा है। आप लोगों को लालच दे रहे हैं कि टोरंटो की वजह से, टोरंटो हमारे आमदार जितेंद्र आवाड़ साहब ने लाया, जितेंद्र आवाड़ साहब ने टोरंटो लाया नहीं। कोई भी खासदार आमदार नगर सेवक अपने प्रभाग में अपने क्षेत्र में सुविधा मिलती है तो सरकार को ना नहीं बोलेगा। सुविधा मिल रही ये पब्लिक को नहीं बता रहे कि सुविधा तुमको मिल रही, उसका जो नुकसान हो रहा है, हाँ नुकसान हो रहा है टोरंटो की वजह से, लेकिन उसमें फंसाया गया। जो मुख्यमंत्री था फडणवीस, उन्होंने टोरंटो का जो होने वाला नुकसान है और माइनॉरिटी क्षेत्र है वहाँ पर जितेंद्र आवाड़ साहब का बदनामी कैसे हो, ये नजर में रखते हुए उन्होंने कहा कि आपको सुविधा मिलेगी लेकिन उसका जो प्राइवेट कंपनी आने के बाद हमारा नुकसान होगा, आपको जो अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा वो नहीं बताया गया। और इस तरह टोरंटो अभी जो नजीब मुल्ला जी है, कल उन्होंने एक भाषण में कहा कि मैं चुनकर आने के बाद कसम खाता हूँ टोरंटो हटा दूंगा। किस तरह हटाओगे भाई, किसकी कसम खा के बोल रहे हो टोरंटो हटाओगे? राजन किने के हमारे दोनों में इतने और सबसे बात अगर करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन बात इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, आरोप करना और आरोप का जब हम लोग एक उंगली दूसरे के पास करते तो चार उंगली अपने पास रहती है। इस राजन के लिए हमारे आमदार जितेंद्र आवाड़ साहब को बड़े बड़े आरोप किए, लेकिन 25 साल से तुम लोग नगर सेवक हो, तुम नगर सेवक हो, तुमने कौन सा विधायक काम अपने क्षेत्र में किया हो बताओ? कौन सा स्कूल लाया, कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा गार्डन बनाया, नाले गटर रास्ता, ये तो नगर सेवक नहीं रहेगा तो भी काम होते है। हाँ 8 माले के 9 माले की बिल्डिंग जरूर बनाए, बोरे ठाकुर पाड़ा सम्राट नगर की वाट लगाए, कोई भी गले से जाओ ऊपर से ड्रेनेज का पानी बदन पे गिरता है, ये हालत करने वाला है नगर सेवक तुमको मिला था। और वही नगर सेवक आज आमदार के ऊपर आरोप करता है
कि कामदार ने क्या काम किया, तुमने क्या काम किया वो बताओ ना। तुमने हमारे मुंब्रा क्षेत्र में 25 साल में कौन सा विधायक काम किया? विधायक काम जो मुंब्रा स्टेशन के सामने फ्लाईओवर ब्रिज बनाया, आज भी उधर पार्टी लिखी हुए महेंद्र कोमरले करके नाम से, सामने हुए महेंद्र कोमरले कर महेंद्र। तो उसको विरोध करने वाला ये राजनीति ने, वो फ्लाईओवर जो ब्रिज है ना जो मुंब्रा में पहला बना, उसको विरोध करने वाला राजनीति। आज सहेल जी यहाँ पर नहीं है, हमारे सुधीर भाई है, स्टेडियम का ठहराव आया, उसका सूचक मैं हूँ। क्रीड़ा संकुल मुंब्रा में बनाया जाए उसका सूचना मैंने महासभा में मांगी थी और उसका सूचक मैं हूँ। तो उसको बोलते कि हमारे आवाज मेरे सामने वो नहीं किया, थाने महापालिका ने किया। सूचना करना और उस प्रस्ताव को अमली जामा देना, इसका काम करना, वो सब नगर सेवक की बस की बात नहीं। उसके लिए आमदार खासदार बड़ा अहदे वाला ही इंसान चाहिए और हमारे आमदार साहब ने उसका पाठ पूरा करके आज बहुत बड़ा स्टेडियम हमारे मुंब्रा में बना। उसको बोलते काम, कब्रिस्तान बनाया, लेकिन तुम लोग उसमें लुक्स निकालते हो। तुमको जो सुविधा मिल रही है वो नहीं बता रहे, क्या किया तुमने, क्या किया वो बताओ ना। हमारे नजीमुल्ला साहब ने राबोड़े में 20 साल से नगर सेवक है, विधायक काम एक बताओ राबोड़े में किया। राबोड़े में कौन सा स्कूल बनाया बताओ, एक गार्डन बनाया पक्षियों अभयारण्य का, कौन सा गार्डन बोलते उसको, खाड़ी किनारे, खाड़ी के किनारे में उन्होंने अंबा एक गार्डन बनाया, आज वहां पे 156 झोपड़ी बन चुके हैं और आए हैं मुंब्रा का विकास करने के लिए। आपने जितनी ऊंचाई है उतनी बातें करेंगे तो अच्छा लगता है। अपने रेपुटेशन छोड़ के हम लोग किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकते। मैं भी आवाज साहब के विरोध में 2-3 बार काम कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी मेरी मर्यादा नहीं छोड़ी। मर्यादा छोड़कर जो बात करते हैं वो विकास क्या करेगा। हाँ, तुमको 1500 रुपये आए क्या? अभी आप ऊपर कर रहे हो, नहीं आए। तो कहने के बाद बहुत कुछ है। और एक हमारा MIM का कैंडिडेट घूम रहा है, वो भी ऐसे कुछ नहीं, खाली उनको क्या मुद्दा है, जितेंद्र आवाड साहब 15 साल में उन्होंने विकास किया वो नहीं कोई बता रहा है कि मुंब्रा में क्या गया। आज आप लोग सही से बताओ मुंब्रा स्टेशन की हालत 10 साल पहले 12 साल पहले क्या थी। 2012 या 13 में वो काम हुआ है मुंब्रा स्टेशन जो रिक्शा स्टैंड आ जाए उधर क्या कचर पट्टी की हालत थी। आज उसके उसकी सुधार उसको किसने सुधारा? आवाज सामने सुधारा पूरा। आप 30-35 MLD पानी 10 साल पहले आता था, आज 72 MLD पानी मुंब्रा में आ रहा है, नहीं मिल रहा है। ये तुम्हारे जो दादा है ना चोरी के लाइने में सब दे रहे और 5-8 माले की बिल्डिंगें बना रहे, तो तुमको पानी ऊपर कैसे आएगा। मैं 92 में जब सावित्री मात्रे का काम यहाँ पर किया था तब सभी चालिया थी, लोग खुश थे, खुशहाल थे। लोग खुशहाल थे, लेकिन जब से बिल्डिंग के बनी है लोगों को तकलीफें बढ़ती जा रही। मेरे पास बोलने के लिए और सामने वाले कैंडिडेट को पोल खोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरा मुझे अभी सुधीर भाई ने कहा कि मुझे भी बोलना है, तो मैं उनको बोलने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और मेरी रजा रहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।